नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज बात करेंगे मीशो के बारे में। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप मीशो से पर डे कम से कम आप 5 ऑर्डर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने नया नया अपना मीशो अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है और आपके जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं और आप काफ़ी परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि मीशो पे कैसे आप सेल कर पाएंगे, आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपने प्रोडक्ट मंगवा रखा है लेकिन उन प्रोडक्ट्स को आप सेल नहीं कर पा रहे। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर उन तरीकों को आप आजमाते हैं तो पर डे कम से कम बिगिनिंग में आप 5 ऑर्डर जो है कम से कम आप पर डे रिसीव कर पाएंगे और धीरे 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 जो है आपका जो अकाउंट है सेलर अकाउंट वो ग्रो होगा और उसके बाद और भी ऑर्डर्स जो है वो आने शुरू होंगे। पर डे के 100 ऑर्डर्स 200 ऑर्डर्स तक आप अचीव कर सकते हैं। केवल आपको सिंपल सा जो तरीका मैं बताऊंगा आपको आजमाना है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मीशो अभी के समय में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सारे सेलर्स जो है मीशो पे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि मीशो पे अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट की तरह बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद बहुत ही आसानी से आप ऑर्डर्स भी रिसीव कर सकते हैं। बहुत कुछ तामझाम जो है मीशो में नहीं है। थोड़ी सी जो मीशो में प्रॉब्लम होती है वो सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके अलावा मीशो में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। केवल कुछ जो तरीके हैं उनको आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको जो इन्वेंट्री है। जी हाँ, आप अगर सोचेंगे कि आपने 5 प्रोडक्ट्स आपने मंगवाए, 5 अलग टाइप के प्रोडक्ट आप मंगवाए हैं, उनको आपने लिस्ट किया है, आप सोचेंगे कि फर्स्ट डे से मेरे पास ऑर्डर आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इन्वेंट्री बढ़ानी होगी। किसी भी अकाउंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आप डालेंगे उतना ज़्यादा आपका जो अकाउंट है सेलर अकाउंट वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो केवल 5 कैटलॉग अपलोड करके आप विजिबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप 5 कैटलॉग अपने अपलोड किया या सिंगल कैटलॉग आप अपलोड किए हैं तो भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन वो जो ऑर्डर आने का जो रेशियो होगा वो काफ़ी कम होगा। वीक में हो सकता है 1 ऑर्डर आए, 2 वीक्स में 1 ऑर्डर आएंगे, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए कम से कम बिगिनिंग में मिनिमम 5 ऑर्डर्स आएँ। तो आपको केवल इन्वेंट्री को जो है वो बढ़ानी है, इन्वेंट्री बढ़ानी है एंड अपने सर्विस को आपको बिल्कुल अप टू द मार्क रखना है, कंटिन्यू रखना है। मैं भी वही करता हूँ, जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आता है मैं डिले नहीं करता हूँ, सेम डे ऑर्डर को डिस्पैच करने की कोशिश करता हूँ। अगर सेम डे नहीं होता है तो नेक्स्ट डे ऑर्डर जो है वो डिलीवर होता ही होता है और सेम डे मैं प्रोडक्ट को पैक करके ज़रूर रख देता हूँ। मीन्स अगर मैंने मॉर्निंग में ऑर्डर रिसीव किया तो मैं कोशिश करता हूँ कि सेम डे जो है कुरियर वाला आके उस प्रोडक्ट को ले जाए, सब कुछ मैं रेडी कर देता हूँ। और अगर मैं 11 बजे के बाद अगर ऑर्डर्स आते हैं, वो मीशो का भी नियम है कि अगर 11 बजे के बाद ऑर्डर्स आ रहे हैं या 11 बजे के बाद आप लेबल डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे आते हैं। लेकिन मीशो जैसे आपको 2 से 3 दिन का समय देता है, मीन्स अगर आप चाहें तो नेक्स्ट डे के बाद वाला जो दिन है उस दिन भी आप ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी नेक्स्ट डे से ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। जी हाँ, ये जो है आपको हमेशा दिमाग में आपको ये बना के रखना है, क्योंकि अगर आप सर्विस फास्ट देंगे, आप 24 आवर्स के अंदर प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देंगे तो उससे जो आपका अकाउंट है वो मजबूत हो जाता है और इतना मजबूत हो जाता है कि धीरे धीरे जो आपकी विजिबिलिटी है वो उन सेलर्स के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी जो अपने प्रोडक्ट्स को स्लो डिस्पैच करते हैं या थोड़ा टाइम लेके वो डिस्पैच करते हैं, नेक्स्ट डे डिस्पैच नहीं करते हैं, या अगर उनके पास ऑर्डर जो है वो 11 बजे से पहले उन्होंने रिसीव किया है तो सेम डे प्रोडक्ट को वो डिस्पैच कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपको बिगिनिंग में सबसे पहले जो आपको टाइमिंग है उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपको इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जिस भी कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी के जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकता है आप लिस्ट कीजिए, आप अपने लोकल मार्केट से लेके आइए या आप अगर किसी होलसेलर से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तो वहाँ से लेके आइए, या आप एक ऐसा लिंक बना के रखिए कि आपकी जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है उसकी दिक्कत ना हो और आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएँ। और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए, अगर आप लोकल मार्केट से प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो आपको अवेलेबिलिटी की समस्या भी नहीं होगी, आप आराम से किसी भी होलसेलर से या जहाँ से आप ला रहे हैं उनसे
मिल के आप CMD प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सक्सेस होने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ जो है वो मेंटेन करनी है। इसीलिए कोशिश करें कि लोकल मार्केट से प्रोडक्ट को उठाएँ और अपने वेराइटीज़ को आप बढ़ाएँ। जी हाँ, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखनी है, और उसके बाद आप देखिए आसानी से, जी हाँ, कोई ट्रिक नहीं आजमानी है आपको, कुछ नहीं करनी है। बहुत सारे वीडियोस जो है मीशो पे बनी है कि ये तरीका आजमाएं, आपके बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो आपको कोई तरीका नहीं आजमाना है, केवल इन्वेंट्री जो है उनके नंबर्स को आपको बढ़ाना है। दूसरा, अपनी जो टाइमिंग है उसको आपको सही रखनी है कि अगर प्रोडक्ट की जो ऑर्डर है वो मॉर्निंग में अगर आती है तो आपको सेम डे प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, और अगर आपको 11 बजे के बाद ऑर्डर रिसीव हो रही है तो आपको नेक्स्ट डे तक ऑर्डर को डिस्पैच कर देना है। बस ये दो तरीके आपको आजमाना है, और उसके बाद आप देखिए 200% आप मीशो पे कैसे सक्सेस होते हैं। 5 ऑर्डर तो कुछ भी नहीं है, दिन के 100 ऑर्डर्स आप रिसीव करेंगे और 100 ऑर्डर्स पैक करते करते आप थक जाएंगे, और उसके बाद आपका जो ये ई कॉमर्स का बिजनेस है वो चल पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरे प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ भी आप ज्वाइन करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, चाहे वो अमेज़ॉन से रिलेटेड हो, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड हो या मीशो से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट करें, इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।